क्वेश्चन दिया हुआ है हमें फाइंड 12 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. एपी है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एंड अप टू माइनस हंड्रेड. तो जब हमें एंड से एपी निकालनी हो तो हम जो है एंड टर्म को लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है. और इसमें हर एक टर्म में क्या हो रहा है, माइनस टू एड हो रहा है. तो हम अगर लास्ट टर्म में से माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम एपी आएगी, यानी कि माइनस हंड्रेड में से माइनस टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा, देखिए माइनस हंड्रेड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस टू, तो माइनस हंड्रेड प्लस टू हमारा माइनस नाइनटी एट होगा. तो माइनस नाइनटी एट देन माइनस नाइनटी सिक्स अप टू सो माइनस टू. नाउ ए इस केस में हमारा फर्स्ट टर्म हो गया माइनस हंड्रेड और डी ए टू माइनस ए वन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस नाइनटी एट प्लस हंड्रेड यानी कि टू. डी हो गया टू, ए हो गया माइनस हंड्रेड. हमें निकालनी है ट्वेल्थ टर्म, तो ए ट्वेल्थ हमें निकालना है. एन का हमारा फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो ए ट्वेल्व होगा ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि ट्वेल्व माइनस वन हो गया इलेवन इंटू डी टू. तो माइनस हंड्रेड में इलेवन टू या ट्वेंटी टू अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सेवेंटी एट, जो कि हमारा आंसर है.